हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड केमिस्ट्री। सो गाइस आज का जो 11th का प्रैक्टिकल नंबर 1 है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो इसमें हम बेसिकली एपरेटस के बारे में जानेंगे कि कौन से एपरेटस को क्या बोलते हैं। सो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं एपरेटस का, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। सो गाइस आज का हम जो पहला एपरेटस आपको दिखाने जा रहा हूं, आज का जो पहला एपरेटस मैं आपको दिखा रहा हूं ये गाइस इसके पीछे इसको हम पूरा ड्रॉपर बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हिस्सा है इसको हम बबलर बोलते हैं। क्लियर? सो ये बबलर बेसिकली यूज होता है पुश करने के लिए, और जैसे हम उसको पुश करते हैं तो इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, और जैसे हम इसको खोलेंगे तो यहाँ का जो भी सॉल्यूशन रहेगा ये इसके अंदर आ जाएगा, हम उसको इजीली किसी भी सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइस ये बबलर को हम यूज करके ये हम लोग ड्रॉपर बनाते हैं, और इसी ड्रॉपर से हम लोग क्या करते हैं सारे केमिकल्स को इसमें इजिली सक कर पाते। तो ये होता है हमारा ड्रॉपर, लेकिन ये हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं बबलर। नेक्स्ट जो हमारा अपैरेटस है उसकी मैं बात करूं तो वो हमारा होता है बीकर। आपको बीकर के बारे में पता होगा, देखो ये कुछ छोटा बीकर है, ये 80 ml का बीकर है। क्लियर? तो जो मेन बीकर होता है हमारा वो ये है, और ये लाइक 200 ml का बीकर है, और इसको हम बीकर बोलते हैं। इसमें हम किसी भी सोल्यूशन को ले सकते हैं, तो ये हमारा होता है बीकर। सो अगला गाइस ये इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी अगला ये अपैरेटस है, ये हम बोलते हैं इसको राउंड बॉटम फ्लास्क। आप इसके नीचे देख रहे हो ये बेस टाइप का है, इसको हम कहीं भी ऐसा रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क। अगला जो हमारा अपैरेटस है गाइस ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। और ये कोनिकल फ्लास्क गाइस आपको पता होगा टाइट्रेशन करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको इजिली शेक करते हैं, यहाँ ये पकड़ने के लिए बना होता है। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है, ये बोरोसिल का होता है, और ये मुझे देखने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, तो आपको याद रहेगा ये इसको क्या बोलते हैं कोनिकल। अब बात करते हैं इस अपैरेटस की, तो आपको पता होगा ये अपैरेटस, या फिर मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं चाइना डिश। क्या बोलते हैं इसको? चाइना डिश। ये चीनी मिट्टी का बेसिकली बना होता है, और ये व्हाइट कलर का दिखता है, और ये इसको इवोपरेटिंग डिश भी बोलते हैं। तो इस चाइना डिश और इस इवोपरेटिंग इसका दो नाम होता है, आप कोई भी नाम से इसको कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो। सो ये बेसिकली होता है इवोपरेटिंग डिश। गाइस मैं अगले अपैरेटस की बात करूं तो ये होता है हमारा वॉच ग्लास। क्या होता है ये? वॉच ग्लास। इसमें हम किसी भी चीज को वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसको वेइंग मशीन पे रख के हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं वॉच ग्लास। और गाइस वॉच ग्लास दो टाइप का आता है, एक होता है हमारा देख रहे हैं आप ये प्लास्टिक के फॉर्मेट में, और एक हमारा क्या है कांच के फॉर्मेट में। तो ये बेसिकली हम दोनों को यूज करते हैं मेजर करने के लिए, इसके अंदर सॉल्ट रखते हैं और मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारा वॉच। सो नेक्स्ट अपैरेटस की बात करूं गाइस, तो आप ये देख रहे होंगे ये होता है हमारा पेयर्स ऑफ टंग। क्या होता है ये? पेयर्स ऑफ टंग। तो गाइस इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, और ये हम किसी भी चीज को इससे उठा सकते हैं इजिली पकड़ के, राइट? सो हम इसको क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पेयर्स ऑफ टंग। क्या बोलते हैं इसको? पेयर्स ऑफ टंग। क्या बोलते हैं इसको? पेयर्स ऑफ टंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो पेयर्स ऑफ टंग जो इसके दो हैं, इससे इजिली इसको क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है गाइस? पेयर्स ऑफ टंग। कि ये क्या है? तो ये बेसिकली ब्रश होता है जिससे हम टेस्ट ट्यूब को साफ, आपको पता होगा ये हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कुछ केमिकल्स लग जाए तो उसको ब्रश को हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐसे ऐड करते हैं, और दो तीन बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है, जिसके वजह से ये टेस्ट ट्यूब क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है, और उसको वाटर से हम वॉश कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है ब्रश, और ये होता है हमारा टेस्ट ट्यूब। अब ये टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए हमें एक होल्डर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है यहाँ पे एक नॉब जैसा होता है, इसको जैसे ही आप खोलोगे ये खुल जाएगा, बंद करोगे बंद हो जाएगा। तो मैं इसको खोलता हूँ, इसको यहाँ पे लगाता हूँ, और इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो गाइस इस सब्सटेंस को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो आपको पता होगा ये टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसको हम टेस्ट ट्यूब को इजीली पकड़। सो गाइस अब आती है इस अपैरेटस के बारे में, तो आपको ये देख के तो चम्मच लग रहा होगा, लेकिन इसको साइंटिफिक नेम में इसको बोलते हैं। तो इसका जो नाम होता है गाइस, इसका नाम है स्पैचुला। क्या बोलते हैं इसको? स्पैचुला। तो ये बेसिकली होता है हमारा स्पैचुला, और इससे हम चीजों को उठाते या फिर रखते हैं, मेजर करते, लाइक तुम्हारे पास कोई सॉल्ट है तो इससे हम इजिली इसको निकाल सकते हैं, ये होता है हमारा स्पैचुला। अगले की बात करूं तो गाइस आपको पता होगा ये होता है हमारा फनल, और इस फनल में देख रहे यहाँ पे एक होल टाइप का होता है जहां से हम लिक्विड को इंट्रोड्यूस करते हैं, और लिक्विड नीचे से किसी भी सब्सटेंस में भर जाता है। क्लियर? ये एरिया ज्यादा होता है ताकि ये लिक्विड गिरे ना। जैसे कि अगर मान लो तुम्हें टेस्ट ट्यूब में कोई चीज डालनी है, कोई बड़ी चीज, तो हम इसको इसके ऊपर रख के और इजिली उस सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो गाइस इसका नाम क्या हो गया? फनल हो गया। इसका नाम क्या हो गया? आपको ये देख के तो क्या लग रहा होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये होता है ग्लास रॉड। और ये ग्लास रॉड की मदद से हमारे पास अगर बीकर में कोई सोल्यूशन हो तो उसको हम लोग इजिली डिसॉल्व कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लास। अब ये आया गाइस सबसे बड़ा सब्सटेंस। तो आपको पता होगा कि हम किसी भी दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं सॉल्ट को, तो सॉल्ट को इसमें डालने के बाद हम इससे क्या करते हैं? अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है मोटर, और इसका नाम होता है पिस्टन। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? मोटर एंड पिस्टन। क्लियर? अब अगला जो नाम है अपैरेटस का नाम है, ये है ट्रायंगल क्ले।
अब ट्रायंगल क्ले क्या करता है, सो ट्रायंगल क्ले पे हम डायरेक्टली हीटिंग करते हैं बर्नर से, इसके ऊपर कुछ चीजें रख के डायरेक्टली हीटिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हम ट्रायंगल क्ले यूज करते हैं। क्लियर, तो ये होता है हमारा ट्रायंगल क्ले। अगला मैं बात करूँ जो हमारा मेन सब्सटेंस है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क, जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। यहाँ एक ढक्कन होती है, यहाँ पे एक लाइन होती है, अगर आप इस लाइन तक सॉल्यूशन को पूरा भर देते हो तो ये 100 ml पूरा प्रिपेयर हो जाता है, बहुत ही एक्यूरेट 100 ml देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दोनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हो। अगला ये है मेजरिंग सिलेंडर। अब इस मेजरिंग सिलेंडर का क्या यूज होता है, इसमें गाइस हम लिक्विड को मेजर करते हैं, मतलब वॉल्यूम में लिक्विड को मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। इसमें जितना भी लिक्विड लेना रहेगा 25 ml लेके हम इसको बीकर में ट्रांसफर करते हैं, तो गाइस ये होता है हमारा मेजरिंग सिलेंडर। अब ये क्या होता है गाइस, ये होता है हमारा कॉर्क। क्या होता है, ये हमारा कॉर्क, और इस कॉर्क से हम क्या कर सकते हैं, मान लो इसमें कोई गैस बन रहा है जिसको हमें रखना है कुछ टाइम तक, उड़ने नहीं देना, तो इस कॉर्क को हम लोग इसमें प्रेस कर सकते हैं। अब इसमें गैस क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तो इस कॉर्क को हम यूज करते हैं बेसिकली कोई भी गैस या फिर सब्सटेंस को रोकने के लिए, तो ये होता है हमारा कॉर्क, रबर का बना हुआ। सो अगला जो है आप देख पा रहे हैं, ये होता है हमारा वायर बॉस, इसके ऊपर एक मिट्टी लगी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मिट्टी बेसिकली क्या करता है, अगर हम हीटिंग करते हैं तो ये जो हीटिंग का जो फ्लेम होता है वो इस पे लड़ता है और यहाँ पे नॉर्मल हीट आता है, इसके ऊपर हम लोग बीकर वगैरह रख के नॉर्मल हीटिंग दे सकते हैं, तो ये होता है हमारा वायर बॉस। आप ये देख पा रहे होंगे ये क्या है, आप बता सकते हैं, ये होता है बेसिकली ब्यूरेट। क्या होता है ये ब्यूरेट, ये ब्यूरेट के नीचे नॉब लगा रहता है, यहाँ पे हम लिक्विड भरते हैं, इसको हम टाइट्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो गाइज आप अभी देख लीजिए इसका नाम क्या है, ये ब्यूरेट, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है, ये नंबर तक हम लिक्विड को फिल करते हैं, और ये ब्यूरेट गाइज बहुत ही काम की चीज है टाइट्रेशन करने के। इसको बोलते हैं पिपेट। क्या बोलते हैं इसको, पिपेट। पिपेट में यहाँ पे एक लाइन होती है, अगर आप इसको शक करते हो लिक्विड इस लाइन तक भर जाए तो ये 10 ml का प्रिपेयर हो जाता है। क्लियर, तो ये हम इस पिपेट को यूज करते हैं, इसको भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं, और इसका नाम जो गाइस है क्या है, पिपेट। अब गाइस मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है, तो ये बेसिकली हमारा रिंग स्टैंड। क्या है ये, हमारा रिंग स्टैंड, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा रिंग स्टैंड होता है। अब ये रिंग स्टैंड में ऊपर का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं क्लैंप। क्या बोलते हैं इसको, क्लैंप। ये रिंग स्टैंड है और ये क्या है हमारा, क्लैंप। गाइस मैं लास्ट इसको बता दूं, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन या फिर सॉलिड सॉल्यूशन भरा होता है, जो आप जानते हो, इसको बोलते हैं स्टॉपर बॉटल या फिर रिएजेंट बॉटल भी बोल सकते हैं इसको, स्टॉपर बॉटल, रिएजेंट बॉटल, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, स्टॉपर बॉटल बोलो या फिर रिएजेंट बॉटल बोलो। कि आपको बता दूं कि ये होता है टेस्ट ट्यूब, इसमें टेस्ट ट्यूब रखते हैं, और ये जो आप ब्लूइश कलर का देख पा रहे हो ये होता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, तो ये होता है टेस्ट ट्यूब, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, तो इसको बर्नर बोलते हैं। अब ये बर्नर में क्या होता है, यहाँ पे एक देख रहे हैं ये नॉब लगा होता है और यहाँ पे एक नॉब है, तो ये अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये चालू हो जाएगा, और इसको ऐसे कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। ये बेसिकली अभी मैंने चालू कर दिया और ये क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ लगा होता है, अब यहाँ पे होल देख पा रहे होगा, होल देख पा रहे होगे, अब ये ऊपर वाला होल अगर अंदर वाले होल से मैच कर जाएगा तो देखेंगे कौन सा फ्लेम होता है, और अगर अंदर वाले फ्लेम को अगर मैं क्लोज कर दूं तो देखेंगे कौन सा गैस चलता है। मैं देखो ये नॉब को चालू कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर, और मैं इसको चला, येलो फ्लेम होता है, और ये येलो फ्लेम होता है रिड्यूसिंग फ्लेम, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको बाहर वाले होल को अंदर वाले होल से मैच कर दूं, क्लियर, अब मैंने मैच कर दिया, तो ये ब्लू फ्लेम होता है और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, क्लियर। तो ब्लू फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और अगर मैंने इसको, अगर इसको होल को मैच नहीं किया तो येलो फ्लेम इज अ रिड्यूसिंग फ्लेम, क्लियर। ये दो चीज बर्नर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक बार और मैं बता दूं, ब्लू फ्लेम और ये रेड फ्लेम। तो गाइस ये पूरा अपैरेटस का नाम था जो मैंने आपको बता दिया, तो आप फटाफट इसे याद कर लीजिए, और गाइस आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि मैं आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा 11th और 12th के सारे प्रैक्टिकल्स इसी चैनल पे बता पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।